अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में दो तरह के दोस्त हमेशा होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़ें। कि घर से गरीब हूँ किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, घर से गरीब हूँ किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, अंगारों को जलाने के लिए फूक फूक के कदम रखता हूँ। बड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। बोला अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है, हेलो ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला, ये धंधा उनका है। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। ये तो वक्त वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने रोक रखा हमें, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये आसमान छोटा पड़ जाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा पैशन ही मुझे हर सवेरे जगा देता है। कभी कभी बेइज्जती होना भी जरूरी होता है, क्योंकि बेइज्जती होने के बाद अंदर एक आग सी लग जाती है, और वही आग आपको ऊपर ले जाती है। आपने कभी रॉकेट को देखा हो? 4 महीने सीखने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता, बरसों लगते हैं। सफर उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं, बस इतना समझ लो मेरी आंखों में नींद जरूर है पर सोने का वक्त नहीं। अगर कामयाब होना है तो 4 चीज दिमाग में काट दियो। लोग के कहेंगे मेरा मूड नहीं है, मुझसे नहीं होगा, और मेरी किस्मत। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं, और जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। किसी ने पूछा, भाई क्या खाते हो ऐसी बॉडी बनाने के लिए? मैंने कहा, कसम हर दिन जिम में और ज्यादा मेहनत करनी। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर।